देखा दिया तो अभी चल इधर लेफ्ट में जा लेफ्ट में जा लेफ्ट में and celebration surprise. हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. मैं हूँ आरती. सो कैसे हो आप सब. तो गाइज आज है मेरे भाई और भाभी के एनिवर्सरी, मतलब सेकेंड एनिवर्सरी और फर्स्ट एनिवर्सरी सारा के साथ, मतलब उन लोग की है. सो गाइज बहुत ज़्यादा कुछ करना है मुझे, डेकोरेट एंड ऑल बहुत कुछ ताम झाम है. तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए. तो सामान लेके फटफट घर पर आके हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे. मैंने कुछ लोगों को भी बुलाई हूँ डेकोरेशन के लिए. तो फटफट हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेकोरेशन करेंगे एंड फिर उसके बाद में सब कुछ उनको सरप्राइज देंगे. बहुत मजा आने वाली है. सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो. सो चलो पहले चलते हैं कुछ ले लेते हैं सामान. डेकोरेशन वाले भैया लोग आ गए हैं और ये है सब सामान. तो चलो चलते हैं ऊपर. सो गाइस अभी डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है और ये देखो रिंग लग गई है और यहाँ पे लोग डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. अभी थोड़ा देखते हैं और क्या कर सकते हैं क्या नहीं. और गाइस बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन है, आपको मैं बताऊंगी एंड में. और ये रही उसके लिए स्पॉट लाइट्स भी है यहाँ पे और ये इसमें सब बलून्स वगैरह है. ये बलून्स भैया गाइस सारे बलून फुल के हो गए हैं. टाइम है रिंग को डेकोरेट करने का तो चलो फटफट वो कर लेते हैं. गाइस ऐसा सोचा मैंने कि यहाँ पे भी ऐसे ऊपर क्यों ना लगाया जाए तो वो और अच्छा लग रहा है. मतलब वो था पिक्चर्स में, इन लोग ने जो रेफरेंस वीडियो मतलब रेफरेंस पिक्चर्स भेजे थे उसमें, लेकिन वो सब मतलब डेकोरेशन के ऊपर था. तो हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि साइड में लगाते हैं ऐसे एल शेप में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. और अभी और भी यहाँ पे बलून बाकी है पूरा, ये सब सामान है और भी लगना. ये हाफ थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, आधा है देखो ऐसा है पूरा. साइड में रोजेस लगाए हुए हैं तो बहुत 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 प्रिटी लग रहा है. कांट वेट टू शेयर द पूरा डेकोरेशन विथ यू गाइस एंड मैं बहुत वो भी हूँ कि उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा. तो वो देखने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो अभी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटफट करते क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है. सो गाइज ये था पूरा सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे मैंने जो डेकोरेशन हुआ था. तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था, इतना अमेजिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, एकदम डिसेंट लग रहा था और फ़ोटोज़ भी बहुत प्यारे आए. तो ये मैंने कुछ शॉट्स आपके लिए डाले ताकि आप देख सको कि कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ था. और फिर मेरे घर पे सबको ही बहुत अच्छा लगा और ये हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे लिखा था बीच में. और फिर मैंने लाइट्स ऑफ करके भी एक टेक लिया जस्ट देखने के लिए कि कैसा लग रहा है. तो वो और भी प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो ये पूरा एक वीडियो है उसका. और ये गाइस केक आदित्य ने बनवाया था स्पेशली भाई और भाभी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, आप देख सकते हो कितना एलिगेंट है. फाइनली अभी टाइम है सागर और भाभी को बताने का डेकोरेशन. तो चलो उन लोगों को बुलाते, दरवाजा बंद करना पीछे का. चलो ए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला. सो गाइस चलो हम लोग उनको बुला रहे हैं, 1 2 3 गो. चलो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन सरप्राइज. हाँ नहीं लगाई, लगा रही वो लाइट. बैठो बीच में. सो गाइस यहाँ पे सारा बटरफ्लाई बन गई है. सारा तो गाइस वो एकदम नींद में है इसके लिए वो हंस ही नहीं रही है. चलो सो गाइस लोग बैठ गए यहाँ पे. अरे यार चलो चलो केक तो काटो. तो गाइज अभी इन लोग पैर पड़ रहे, पहले भगवान के की थैंक कर रहे कि हम लोग साथ में अभी तक अच्छे से है, टच वुड. यहाँ पे भी पैर पड़ रहे गाइज इन लोग. तो गाइज अभी इन लोग की हो रही है पूजा आरती. तो गाइज अभी इन लोग की हो रही है आरती. मम्मी कर रहे हैं और मम्मी और पापा ने ट्विनिंग किए हैं. तो गाइज देखो कितना अच्छा लग रहा है डेकोरेशन पूरा. विश तो कर. अभी हार पहनाएंगे
पहले केक तो काटने दे। हाँ ठीक है, केक काटो, पहले हार पिना के केक काटते ना। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर सागर एंड हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी बर्थडे परी रानी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू, एनिवर्सरी टू यू, क्लैप क्लैप, अरे वाह 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 वाह। अरे तुम लोग का गिफ्ट ये नहीं है, तुम लोग का गिफ्ट तुम लोगों को थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। सारा परी हूँ मैं। फिर गाइज हम लोग सब लोग लग गए सारा का फ़ोटो शूट करने के लिए इल्लू के साथ, क्योंकि वो बहुत टफ इंसान है, उसके साथ फ़ोटो निकालना मतलब बाप रे बाप एक बहुत रोडीज़ का टास्क है। फिर वो थोड़ा नॉर्मल होके हम लोग उसको माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, एंड फाइनली इतना टाइम लेने के बाद उसने फ़ोटोज़ निकाले अच्छे से, और उसको परी बनाए थे हमने, तो वो उसी बात को लेके बहुत खुश थी, इसके लिए बार बार क्लैप क्लैप कर रही थी, क्यूटी मेरी। सारा हाँ अभी पोस्ट दो थोड़ा ऐसा कि तुम लोग क्या शादी है, मतलब आज के दिन ही हुई थी। गाइस हम लोग का तो गिफ्ट बाद में बताएंगे, लेकिन पापा मम्मी ने सागर और भाभी के लिए गिफ्ट लाए हैं। क्या है इसके अंदर, खोल के तो दिखा, ओपन कर। अरे मैं मतलब ब्रेसलेट है, चेन है, क्या है ऐसा? ओ चेन, अरे वाह वाह, अरे ले क्या बात है, कपल चेन, हाँ कपल चेन, वेरी गुड। पिनाओ अभी पिनाओ, हाँ दोनों को दे दो, एक दूसरे को पिनाएंगे। अच्छा तू तू दे, तू नहीं नहीं तुम दोनों। हाँ इतना गर्म हो रहा है। तो गाइज अभी इन लोग चैन पिना रहे जो मम्मी पापा ने गिफ्ट किए हैं इन लोग दोनों को, तो इन लोग एक दूसरे को पिना रहे, और अभी सागर भाभी को पिना रहा है चैन। इन लोग का तो अलग ही चालू है गाइज, आपस आपस में ही बात कर रहे हैं। ओहो ओफो, मम्मी यहाँ पे फोटोग्राफी बताते हुए डायरेक्शंस। अरे चलो दिखाओ चेन दोनों। ओहो क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस ये मम्मी ने पोज बताया कि ऐसा पकड़ो एक दूसरे की चेन और बताओ 50 तोला, चल जा। तो गाइस या सारा सारा सोनू पप्पा का पूरा मूछ वाह भी सही है, अरे वाह वाह वाह। तो गाइस पप्पा अभी मम्मी को कुछ देना चाहते है, चलो तो गाइस पापा को देखने के बाद सागर को भी थोड़ा इंस्पिरेशन आए, लाइक फादर लाइक सन। पोज दे पोज दे। सो गाइस अभी लोग पढ़ रहे हैं पैर मम्मी पापा के और ले रहे हैं आशीर्वाद फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। सारा बोलू बोलू दद्दा दादा दा। सो गाइस अभी हम लोग सागर को लेकर जा रहे हैं नीचे सरप्राइज देने के लिए, कि उसके लिए हमने मतलब मैंने क्या गिफ्ट लाई वो। अरे एक मिनट, हाँ चल तो। आर यू एक्साइटेड?
गाइज अभी टाइम है सरप्राइज का, तो चलो चलते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मैं आग बंद कर देती हूँ अभी इसकी, क्योंकि यहाँ पे ही है वो सरप्राइज, तो ये देखना ले वो साइड से देखना चाहिए। तो अभी तो चल इधर लेफ्ट में जा, लेफ्ट में जा, लेफ्ट में। सो सरप्राइज इज योर सरप्राइज। मैं मेरे भाई के साथ मस्ती कर रही थी, मतलब मैं किसी के भी कार पे मैंने लगा, कैसा लगा सरप्राइज? मस्त। सो गाइस ये बहुत मस्ती कर रही थी मैं। इनडीड नेक्स्ट ईयर मैं जरूर ऐसा गिफ्ट दूंगी मेरे भाई को। अभी थोड़ा नहीं दे सकती, इसके लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसके साथ मजाक करते हैं। तो ये ऐसा मैंने इसके साथ थोड़ा सा मस्ती की हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल गिफ्ट है मेरा मोबाइल वहीं पर है। गाइस हाँ मैं बोल रही थी कि होपफुली नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं दूंगी। अभी मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, मैं उन लोगों को गिफ्ट दूंगी, भाभी और सागर को। तो ये बस मैं मस्ती कर रही थी। सो यस चलो चलते। तो गाइस सब कुछ हो गया अच्छे से सेलिब्रेशन, और सब मतलब बहुत अच्छा लगा भाभी और सागर को डेकोरेशन। मेन प्रॉब्लम ये कि गाइस लोग मतलब ऑन कैमरा ज़्यादा मतलब ऐसे बात नहीं करते, उन्होंने बहुत शाय है कैमरा के सामने। तो इसके लिए बहुत चीज़ें ऐसी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकती मैं, बिकॉज उन लोग बहुत शाय है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा उन लोग उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छा लगा ये वो ऐसा वैसा, थैंक यू ये वो। तो उन लोग बहुत शर्माते, जहाँ पे कैमरा चालू रहता वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते, तो इसीलिए। बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी गाइज उन लोग को भी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।